नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश श्याम आज एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, मेनली ये डर्मेटोलॉजिकल रेजिडेंट या मेडिकल स्टूडेंट के बारे में कि अगर हमारे स्किन के ऊपर अम्लिकेटेड लीजन दिखाई दे। स्किन के अंदर अम्लिकेटेड का लीजन का मतलब क्या होता है? अम्लिकेटेड का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी भी लीजन के अंदर, सेंटर के अंदर कोई डिप्रेशन है, डिप्रेशन तो उस लीजन को कहते हैं अम्लिकेटेड। मान लो कोई पेप्यूल है, उसके सेंटर के बीच में डिप्रेशन है तो हम कहते हैं अम्लिकेटेड लीजन। अब ये लीजन अम्लिकेटेड, अगर हमारे दिमाग में अम्लिकेटेड लीजन आता है तो हमारे दिमाग में एक डिजीज आती है, मोलस्कम कॉन्टाजियोसम। तो हमारे दिमाग में कौन सी डिजीज आती है? मोलस्कम कॉन्टाजियोसम, जिसके अंदर क्या होता है, पर्ली व्हाइट शाइनी पेप्यूल होता है, लेकिन सेंटर के अंदर डिप्रेस्ड होता है, नेक्रोटिक एरिया होता है, उस लीजन को क्या कहते हैं? अम्लिकेटेड लीजन। इसका हॉलमार्क अगर मेनली इसका डिजीज सोचे तो मोलस्कम कॉन्टाजियोसम। इसके अलावा अगर हम कोई मोलस्कम कॉन्टाजियोसम एक वायरल इंफेक्शन है, इसके अलावा कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन के बारे में बात करें तो लेप्रोसी के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन एक लेप्रोसी होती है स्टोइड लेप्रोसी। स्टोइड लेप्रोसी के भी लीजन मोलस्कम कॉन्टाजियोसम जैसे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ फंगल इंफेक्शन, सिस्टेमिक फंगल इंफेक्शन जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, मोलस्कम लाइक लीजन, पेनिसिलियोसिस, मोलस्कम लाइक लीजन। हम इसको मोलस्कम लाइक लीजन बोलते हैं, मोलस्कम लाइक लीजन मतलब अम्लिकेटेड लीजन। इसके अलावा क्रिप्टोकोकल इंफेक्शन, ये फंगल इंफेक्शन। तो मोलस्कम कॉन्टाजियोसा, स्टोइड लेप्रोसी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पेनिसिलियोसिस, क्रिप्टोकोकल इंफेक्शन, ये सारे इंफेक्शन इनके अंदर लीजन कैसे होते हैं? अम्लिकेटेड। ये इसके डिफरेंशियल हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अम्लिकेटेड लीजन लगे तो हम ये डिफरेंशियल हो सकते हैं। नॉन इंफेक्शन के अंदर सार्कोइडोसिस, हमने अभी एक पेशेंट देखा था जिसके अंदर लीजन एकदम बिल्कुल हिस्टोप्लाज्मोसिस के जैसे लग रहे थे, लेकिन जब हमने उसकी बायोप्सी कराई, जब उनका दूसरा वर्कअप किया तो वो पेशेंट क्या निकला? सार्कोइडोसिस, नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा दिखाई दिया। इसके अलावा ग्रेनुलोमा एन्युलेरी, इसके अलावा परफोरेटिंग डिजीज, काइरेले डिजीज और प्लीवा, ये कुछ सार्कोइडोसिस, ये ध्यान रखना है। तो ये नॉन इन्फेक्शन के अलावा, इसके अलावा कुछ ट्यूमर जिसके अंदर एक होता है किरेटो एकेंथोमा, जिसके अंदर सेंट्रल नेक्रोटिक प्लग होता है, वोल्केनो लाइक लीजन होते हैं, किरेटो एकेंथोमा। ल्यूकीमिया क्यूटिस, ल्यूकीमिया पेशेंट का स्किन मैनिफेस्टेशन होता है तो अम्लिकेटेड लीजन, मोलस्कम कॉन्टाजियोसम लाइक लीजन शो कर सकता है। एकेंथोमा बहुत सारे, ये भी एक ट्यूमर होता है जो बहुत टाइप का होता है, क्लियर सेल एकेंथोमा, एपिडर्मोलाइटिक एकेंथोमा, बहुत टाइप के होते हैं। इसके अलावा वार्टी डिस्किरेटोमा और एक्रोकिरेटो इलास्टोसिस, ये चीजें होती है। अगर मेन अम्लिकेटेड लीजन की बात करें, मोलस्कम कॉन्टाजियोसम, वायरल, वायरल इसके अलावा और कौन से वायरल इंफेक्शन हो सकते हैं जिसके अंदर अम्लिकेटेड लीजन हो सकते हैं? कम होते हैं, काउपॉक्स जो मेनली होता है, स्मॉल पॉक्स डेवलप करता है। इसके अलावा मिल्कर नोड्यूल, इसे स्यूडो काउपॉक्स भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्यूडो काउपॉक्स। ये क्या होता है? ये मेनली पेरापॉक्स वायरस से होता है और ये वायरस जो काउज होती है उनके टीट्स पे होता है, तो ये काउ जो मिल्कर्स होते हैं उनके अंदर ये हाथों के ऊपर फिंगर वहां पर लीजन डेवलप हो सकता है। ओआरएफ क्या होता है? ओआरएफ भी इसी टाइप के लीजन होते हैं, लेकिन ये ओआरएफ जो वायरस होता है मेनली सिप और गोर्स को इन्फेक्ट करता है। मिल्कर नोड्यूल वाला वायरस काउज के टीट्स को, काउपॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स वाला वायरस होता है, ठीक है, ये इससे कंफ्यूजन होता है। इसके अलावा एक्जिमा हर्पेटिकम, तो ये सारी चीजें अगर हमारे पेशेंट के अंदर अम्लिकेटेड लीजन है तो हम इसको तीन टाइप के अंदर इसका डिफरेंशियल सोच सकते हैं। इन्फेक्शन के अंदर हम मोलस्कम सोच सकते हैं, मोलस्कम के अलावा काउपॉक्स, ओआरएफ, ये लीजन सोच सकते हैं, हिस्ट्री के आधार पर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोइड लेप्रोसी, इसके अलावा मर्साब के अंदर भी कुछ लीजन, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस के अंदर भी लीजन अम्लिकेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा फंगस के अंदर क्रिप्टोकोकल, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पेनिसिलियोसिस के बारे में सोच सकते हैं। सार्कोइडोसिस जो ग्रेट मिमिकर्स होते हैं, हर तरह के लीजन प्रेजेंट कर सकते हैं। और ट्यूमर के अंदर किरेटो एकेंथोमा, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है अम्लिकेटेड लीजन के बारे में। थैंक यू।